राजधानी पटना से सटे बिहटा बाजार में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड के जवान से राइफल छीन लिया। जवान के द्वारा राइफल छीनने का विरोध करने पर अपराधियों ने जवान को बट से मारकर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें एक दुकानदार घायल हो गया। जख्मी दवा दुकानदार की पहचान बिहटा निवासी मथुरा साव का पुत्र मनीष कुमार एवं होमगार्ड के जवान जनक ठाकुर के रूप में किया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके वारदात से एक पिस्टल, दो गोली को बरामद किया है। वहीं छापेमारी के दौरान भागकर मकान में छुपे अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में अपराधी जख्मी होकर सरेंडर कर दिया। पुलिस उसी हिरासत में लेकर बिहटा से NMCH अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सोना रानी के साथ बिहटा से आनंद मोहन की रिपोर्ट। बताइए। मैंने हमारा ड्राइवर पकड़ लिया, पेशेंट दिखा के रिजोर्ट विजोर किए हैं, एक अधिक 40 पैसे मारा है, तब हम 10 से भी छोड़ दिए हैं। कितने संख्या अपराधी थे? अपराधी कितने की संख्या में थे? एक आदमी अपराधी थे। हाँ, आदमी। क्या फायरिंग भी की गई थी? फायरिंग भी की गई थी? हाँ। कितने राउंड फायरिंग की गई थी? दो व्यक्ति, दो राउंड। क्या कुछ पहले कभी बात है या कुछ? नहीं, कोई बात नहीं हमारे साथ। आप यहाँ क्या है? आप यहाँ क्या चीज करते हैं? आप यहाँ पे क्या है? अब पीछे से आके पकड़ लिया है। क्या आपका नाम है? आपका नाम क्या हुआ? देखिए, आज दोपहर में एक घटना हुई और उसमें जो है एक होमगार्ड के जवान का राइफल छीना गया, और उस दौरान जो है वो मारपीट भी हुई होमगार्ड के जवान के साथ। इस क्रम में जो है पुलिस द्वारा जो है वो तत्काल जो है अग्रतर कार्रवाई की गई, और अग्रतर कार्रवाई के क्रम में जो है वो रेड छापामारी के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, अभियुक्त ने जो है वो पुलिस पार्टी पर फायर किया, और उसमें जो है जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को जो है वो पुलिस की तरफ से जो है गोली लगी है, और इस दौरान जो है उसको फिर भर्ती कराया गया है अस्पताल में और उसका भी इलाज चल रहा है। 24 घंटे में सर दूसरी घटना है, बिहटा डुमरिया पुल पर भी सुबह फायरिंग की गई। वो दूसरी घटना शामिल थे इसमें? कौन सी घटना? हथियार वाले में कौन सी गैंग है या नॉर्मल व्यक्ति है? ये जो अभी घटना हुई इसके विषय में पूछ रहे हैं। इसमें एक ही लड़का है, और ये व्यक्ति जो है पूर्व में भी जैसा बताया जा रहा है कि जेल गया है, लेकिन उसकी हम अभी देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और इसका जो है वो व्यवहार जो है वो परिवार के साथ भी अच्छा नहीं था, जैसा कि अभी आ रहा है परिवार से बात करने के बाद। तो एक ही व्यक्ति था और उसने ये कार्य किया है, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी दवा व्यवसायी पे गोली चलाई गई थी? वो घटना अलग थी, ये अलग। राइफल भी बरामद हो गई? राइफल बरामद। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।